अस्सलाम वालेकुम, सरगोधा यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। एमए एमएससी एक ऑब्जेक्शन आ रहा है इन एलिजिबल का, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं जी कि आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्शन जो है वो कौन सा है। देखिए, जिनका ऑब्जेक्शन शो हो रहा है उनका ऑब्जेक्शन शो हो रहा है, जिनका इन एलिजिबल शो हो रहा है इन एलिजिबल का ये मतलब है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो एडमिशन के लिए, आप लोगों ने गलत अप्लाई कर दिया है। क्यों गलत अप्लाई किया है, दो बड़ी रीज़न आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। नंबर वन, शर्त रखी गई थी कि इन एडमिशन में सिर्फ वो स्टूडेंट नए फ्रेश एडमिशन सेंड कर सकेंगे जिनका बीए बीएससी एडीपी 1 जुलाई 2022 से पहले पहले कंप्लीट हुआ हो, 1 जुलाई 2022 से पहले उनका रिजल्ट आ चुका हो, वो स्टूडेंट पार्ट वन में या कंपोजिट में एडमिशन सेंड कर सकती हैं। और दूसरी शर्त ये है कि फ़र्ज किया कि आपका रिजल्ट 1 जुलाई 2022 से पहले यानी कि मार्च 2022 में आ गया, जनवरी 2022 में आ गया, तो एक और शर्त होती है कंपोजिट एडमिशन की, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट के इन एलिजिबल आ रहे हैं ना, वो एक तो ये रिजल्ट की वजह से आ रहे हैं और दूसरा ज़्यादा कंपोजिट की वजह से स्टूडेंट ने कंपोजिट एडमिशन सेंड किए हुए हैं, जबकि उनका रिजल्ट आया हुआ है मार्च 2022 में और उन्होंने इसके अंदर कंपोजिट एडमिशन सेंड कर दिया, जबकि एक रिक्वायरमेंट होती है एमए एमएससी कंपोजिट, यानी कि आप लोग एक ही साल में 2 साल की डिग्री ले सकते हो अगर आपके बीए बीएससी एडीपी के बाद 1 से 2 साल का गैप हो। अब स्टूडेंट, आप लोगों का गैप ही नहीं उतना फील हो रहा, आप लोगों ने कंपोजिट एडमिशन सेंड किए हुए हैं, तो इस वजह से आप लोग इन एलिजिबल हो इस एडमिशन के लिए। तो ये जो स्टूडेंट है जितने भी जिनका इन एलिजिबल आया है, इनका ये ऑब्जेक्शन दूर नहीं होगा, ठीक है, आप एलिजिबल ही नहीं हो इस एडमिशन में, ये एडमिशन पुराने थे। और इसमें दो शर्तें कंसिडर की जा रही हैं जो आप लोगों के सामने लिखी हुई नज़र आ रही हैं। नंबर वन, अगर आपका बी ए बी एस सी एडीपी का रिजल्ट 1 जुलाई 2022 से पहले आया है तो आप एडमिशन फ्रेश सेंड कर सकते थे, लेकिन दूसरी कंडीशन है कि आपका रिजल्ट 1 जुलाई 2022 से पहले आ गया लेकिन आप लोगों ने कंपोजिट सेंड कर दिया जबकि आपकी बीए बीएससी एडीपी डिग्री को अभी 1 से 2 साल का वक्फा ही नहीं हुआ, तो आप लोगों ने कंपोजिट एडमिशन सेंड किया हुआ, तो आप इन एलिजिबल हो ऐसे, या आप पूरा नहीं उतरते इस डिग्री के ऊपर, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की जानिब से आप लोगों को इन एलिजिबल लिखा। जितने भी स्टूडेंट जिनका इन एलिजिबल आ रहा है, आप लोगों ने गलत एडमिशन सेंड किए हैं। आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को अच्छे से पता हो, सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हुई जिसके अंदर क्लियर बताया गया आप लोगों को कि आप लोगों ने बीए बीएससी एडीपी अगर आपका 1 जुलाई 2022 से पहले का, फिर आपने एडमिशन सेंड करनी है। कंपोजिट के रूल्स भी बताए हुए हैं कि आप लोगों का बीए बीएससी एडीपी के बाद 1 से 2 साल का गैप होना लाजमी, अगर गैप नहीं है तो आप कंपोजिट एडमिशन सेंड नहीं कर सकते। तो ये दो बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप लोगों के इन एलिजिबल आए हैं, ठीक है, तो अब आप लोग ये एग्जाम्स नहीं दे सकते। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी इन एलिजिबल की, जो बार बार स्टूडेंट कह रहे थे कि आप बता नहीं रहे। स्टूडेंट, बताया सब कुछ है आप लोगों को, लेकिन आप बातों को समझो जो आप लोगों को बताई जा रही है। सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।